करते हैं। जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार शेखर कुशवाहा को लाया गया है कोर्ट में। आपको बता दें कि पीएमएलए की विशेष कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। ईडी उनसे पूछताछ करती हुई नजर आएगी। आपको बताते चले कि पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की गई है। बुधवार को पूछताछ के सिलसिले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। जमीन घोटाले मामले में शेखर कुशवाहा के ठिकाने पर ईडी दो बार कर चुकी है छापेमारी। कई बार पूछताछ के लिए ईडी ने किया था समन, लेकिन नहीं हो रहा था ईडी के समक्ष उपस्थित। तो आपको बता दें कि गाड़ी मौजा के 4.83 एकड़ जमीन के मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ कर बनाया गया था फर्जी दस्तावेज। फर्जी वाले के काम में सरकारी अधिकारियों ने किया था सहयोग। 4.83 एकड़ जमीन एक भोक्ता परिवार का है, जिसका नाम बदलकर दूसरे के नाम से सामान्य प्रकृति का जमीन बनाया गया था। तो अब उनसे पूछताछ जो है वो यहाँ हो रही है। आपको बता दें कि लगातार जो है वो पूछताछ देखी जा रही है मंसूरन की। हालांकि जमानत याचिका पर भी आज कोर्ट में सुनवाई हुई और ईडी ने कोर्ट में कहा कि पूर्व सीएम के निर्देश पर ही बरियातू का जो विवादित जमीन है उसका सत्यापन हुआ था। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक देखिए, जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार शेखर कुशवाहा को लाया गया है कोर्ट और कहा जा रहा है कि पीएमएलए की विशेष कोर्ट में उन्हें पेश किया गया और ईडी उनसे पूछताछ करती हुई नजर आ रही है, रिमांड की मांग कर रही है। पूरी जानकारी क्या है दीपक, दर्शकों को बताएं आप। जी बिल्कुल, जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार शेखर कुशवाहा को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया गया है। अब पेशी के दरमियान ईडी रिमांड की मांग करेगी, लेकिन रिमांड पिटीशन कितने दिनों के लिए दी जाती है ये देखना होगा। फिलहाल अभी पेशी ही चल रही है, रिमांड पिटीशन अभी तक दिया नहीं गया है। रिमांड पिटीशन जब कोर्ट में दिया जाएगा और उस पर सुनवाई करने के उपरांत जो है कोर्ट अपना जो है वो कितने दिनों के लिए रिमांड पर देती है वो देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से शेखर कुशवाहा की अगर बात करें तो शेखर कुशवाहा के ठिकाने पर ईडी कई बार दबिश दे चुकी है, कई बार छापेमारी की है। साल 2023 में भी ईडी ने छापेमारी की थी, उसके बाद बीते 16 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी और उस छापेमारी के बाद कई बार ईडी ने समन जारी किया था ताकि पूछताछ किया जा सके है कि जमीन फर्जीवाड़ा मामले में किन किन लोगों की संलिप्तता है और किस तरीके से एक सिंडिकेट बना करके जमीन की प्रकृति को बदला जाता था, मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ किया जाता था और फर्जी दस्तावेज तैयार करके कब्जा किया जाता था और खरीद बिक्री की जाती थी। तो इसको लेकर के कई बार ईडी ने समन जारी किया था, लेकिन एक बार भी वो ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे थे और अंततः कल बीते बुधवार को भी ईडी ने समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया था। तो शेखर कुशवाहा ईडी दफ्तर पहुंचते थे और पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। अब गिरफ्तार करके जब आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है तो रिमांड की मांग जो है वो जरूर ईडी करेगी, लेकिन उसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से बड़गाई अंचल के ही अधीन 4 एकड़ 83 डिसमिल जमीन जो एक भोक्ता समाज का है, भोक्ता परिवार का है, उस जमीन के मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ किया गया और दस्तावेज जो फर्जी तरीका से बनाया गया उसमें किसी और के नाम से उसको मालिकाना हक दिलाया गया और जमीन की प्रकृति को जो है बदल करके समान किया गया और उस मामले को लेकर के ईडी जांच कर रही है और इसकी जांच की आँच शेखर कुशवाहा तक पहुंचा इसलिए भी कि बड़गाई अंचल के जो निलंबित उप राजस्व कर्मी है भानु प्रताप प्रसाद, उनके ठिकाने पर जब ईडी छापेमारी की थी तो उस समय जमीन से संबंधित दस्तावेज का जखीरा ईडी को मिला था जो कई अलग अलग जमीन से संबंधित था, जिसमें 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन जो जिस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी है उससे संबंधित दस्तावेज भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने से मिला था और ये 4 एकड़ 83 डिसमिल जमीन जो गाड़ी मौजा के अधीन है इसका भी दस्तावेज उन्हीं के ठिकाने से मिला था। तो अब देखना है कि जब पूछताछ के लिए जब रिमांड पिटीशन देगी और अदालत से जब रिमांड पर पूछताछ के लिए मिलेगा तब रिमांड पर लेकर के जब पूछताछ होगी तो इसमें और कौन कौन लोग हैं जिनके सहयोग से शेखर कुशवाहा जो है वो फर्जी दस्तावेज जो है वो बना करके जो है कब्जा करने की कोशिश करते थे, तो इसको लेकर के पूछताछ में कई अहम जानकारी जो है वो ईडी को मिलेगा। लेकिन जमीन घोटाला जो राजधानी रांची के
अंदर हुआ है, चाहे बात करें सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल की, या चेसायर होम स्थित 1 एकड़ जमीन की, या फिर 8 एकड़ 86 डिसमिल जो बड़गांव अंचल के अंधेर डीएवी स्कूल के पीछे जो जमीन है, या फिर 4 एकड़ 83 डिसमिल, ये जमीन की जो फर्जीवाड़ा जो हुआ है, इसमें मास्टरमाइंड के तौर पर अगर आप देखें तो सद्दाम हुसैन, अफसर अली जैसे कई लोग हैं जो सिंडिकेट में शामिल थे, और इसमें अफसरों की भी सहयोग मिलती थी, जिसके आधार पर फर्जी दस्तावेज तैयार करके जमीन पर अवैध कब्जा और जमीन की खरीद बिक्री का जो कार्य है वो किया जा रहा था। जी बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा। देखिए दीपक, आप पीएमएलए कोर्ट के बाहर भी खड़े हुए हैं, नजर आप बनाए रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार शेखर कुशवाहा को लाया गया है, अब पीएमएलए की विशेष कोर्ट जो है वो वहां पेश भी किया गया है। अब बहरहाल सवाल यह है कि रिमांड वो ईडी कब तक मांगते हो, कितने दिनों का रिमांड मांगती है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप लगातार कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही जानकारी आएगी आपका रुख करेंगे। दीपक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, पूछताछ के क्रम में ईडी ने गिरफ्तार किया, जमीन घोटाले मामले में शेखर कुशवाहा के ठिकाने पर ईडी 2 बार छापेमारी कर चुकी है। कई बार पूछताछ के लिए ईडी ने किया था समन, लेकिन नहीं हो रहा था ईडी के समक्ष उपस्थित। तो आखिरकार 4.83 एकड़ जमीन के मूल दस्तावेज के छेड़छाड़ के यहां इल्जाम पर ईडी ने इसे धर दबोचा है, और देखिए आज पेशी है। हालांकि ईडी कितने दिनों के लिए रिमांड पर मांगती है, यह भी देखने वाली बात होगी। तो फर्जीवाड़े काम में सरकारी अधिकारियों से किया गया था सहयोग, और 4.83 एकड़ जमीन एक भोक्ता परिवार का था, जिसका नाम बदलकर दूसरे नाम से सामान्य प्रकृति का जमीन बनाया गया था। तो फर्जीवाड़े में ईडी ने कई बार बुलाया, दो बार घर पे छापेमारी भी की गई, और उसके बाद ईडी ने धर दबोचा है और आज पेशी है। अब देखिए कि कोर्ट कितने दिनों की रिमांड देती हुई नजर आती है। तो ईडी पूछताछ करती हुई नजर आएगी। बुधवार को शेखर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। तो ईडी करेगी पूछताछ, आपको बता दें, रिमांड की मांग करते हुए कोर्ट से नजर आएगी पीएमएलए कोर्ट में। आज उसे पेश किया गया है, बुधवार को शेखर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। तो शेखर कुशवाहा की कोर्ट में पेशी है और ईडी रिमांड पर मांगती हुई नजर आएगी। बहरहाल अब देखना होगा कि कोर्ट कितने दिनों के रिमांड पर ईडी को शेखर कुशवाहा को देती हुई नजर आती है, उनके सवाल जवाबों का कितना वो संतुष्ट कर पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।